दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें घर या फिर गाड़ी कब खरीदना चाहिए। हम हमेशा बात करते हैं कि हमें पैसा सेव करना चाहिए और फिर उसे सही जगह पर निवेश करना चाहिए, पर अगर हम हमेशा पैसा सेव करते रहेंगे और निवेश करते रहेंगे तो हम कैसे अपने मनपसंद चीज़ों को खरीदेंगे, माने घर, गाड़ी या फिर फोन, ये सब वो हम कैसे करेंगे? इसका आंसर ही हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। घर या फिर गाड़ी आपका एक संपत्ति नहीं है, ये तो जानते ही हो, माने ये सब चीज जो है ना, ये आपको हर महीने पैसा नहीं देगा, उल्टा लेगा। गाड़ी में आपको हर महीने कुछ खर्चा करना पड़ेगा, माने इंश्योरेंस, टैक्स और तेल तो है ही, जो चीज आपका पैसा हर महीने खाएगा ना कि आपको देगा। आपका घर भी वही करेगा, आपसे पैसा लेगा ना कि आपको देगा, माने ये सब आपके लिए एक बोझ बनता जाएगा धीरे धीरे। पर आप इन सब से बच सकते हो एक सिंपल रूल को फॉलो करके, और वो नियम ये है कि आपके घर या फिर गाड़ी की टोटल कंबाइंड वैल्यू आपके टोटल नेट वर्थ के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आप उसे अभी अफोर्ड कर नहीं सकते, तो आपको उसे अभी छोड़ देना होगा। मतलब लेट्स से आपका टोटल नेट वर्थ है मानो 1 करोड़ रुपीज, माने आपके पास 1 करोड़ रुपए है टोटल, तो आप 10 लाख रुपए खर्च करके एक गाड़ी परचेस कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास 50 करोड़ रुपए है तो आप अबाउट 50 लाख रुपए खर्च करके एक अच्छा मकान या फिर घर परचेस कर सकते हो। 10% रूल इसे ही कहते हैं। और बाकी जो 90% बचेगा उससे हम क्या करेंगे? आप उसे निवेश करोगे एक अच्छे जगह पे, प्रॉपर्टी पे, स्टॉक्स पे, बॉन्ड्स पे या फिर फंड्स पे, किसी हेज फंड्स पे। माने 90% पैसा आपको एसेट्स माने संपत्ति बनाने में लगाना होगा, और 10% जो बचेगा उससे आपको सब कुछ करना होगा, गाड़ी, घर, अपना डेली खर्चा, उन सबको 10% से ही आपको निपटाना होगा, तभी आप दोस्त फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर पाओगे। ये सख्त रूल है, फॉलो करना बहुत कठिन है, पर अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन दिखाओगे अपने जीवन में तो आप इसे फॉलो कर पाओगे। अगर आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे तो ही आप इसे फॉलो कर पाओगे। अगर आप दुनिया के बहुत अमीर इंसानों को देखोगे, माने इलॉन मस्क, जेफ बेजोस या फिर अदानी या फिर अंबानी, इन सबको देखोगे, उनके पास जो बोझ है माने लायबिलिटी है, वो कभी भी क्रॉस नहीं करेगा उनका 10% नेट वर्थ से। ये नियम सब लोग फॉलो करते हैं। एक मशहूर सिंगर एकोन, आप जानते हो शायद इनको, वो कहते हैं एक पॉडकास्ट में कि अगर मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट पे $1 million होगा तो ही मैं $100,000 का एक घर परचेस करूंगा, माने अगर मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट पे 8 करोड़ रुपए होगा तो ही मैं 80 लाख का एक घर परचेस करूंगा, वरना मैं उसे छोड़ दूंगा। दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े लोग, वेल्दी, सुपर वेल्दी लोग इस 10% रूल को फॉलो करते हैं अपने सारे पैसे को मेंटेन करने के लिए और ये जानने के लिए कि कब किसे परचेस करना चाहिए और कैसे हम अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन कर पाएंगे सालों साल। वो सब इस 10% रूल को फॉलो करते हैं अपने पूरे जीवन भर। पर दोस्तों ये नियम बहुत सख्त है, इसे फॉलो करना उतना आसान नहीं होगा। माने दोस्तों अगर आपके पास लेट्स से 1 करोड़ रुपीज है, आपका नेट वर्थ है 1 करोड़ रुपीज, उसका 10% होगा अबाउट 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख रुपीज से क्या आप एक घर परचेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एक अच्छा गाड़ी? नहीं कर पाओगे। तो फिर इसका हल क्या होगा? आपके पास 4 रास्ते हैं। पहला, आप उस घर को भाड़े पे ले लो और जो पैसा आपके पास है उसे निवेश करो किसी अच्छी जगह पे, रिसर्च करके। आजकल के यंगस्टर्स माने जो लोग जवान हैं, वो लोग घर खरीदना पसंद कर नहीं रहे हैं, वो उसे भाड़े पे ले रहे हैं और वो उस पैसे को निवेश कर रहे हैं किसी स्टॉक पे, बॉन्ड पे, फंड्स पे, फिर गोल्ड पे, फिर प्रॉपर्टी पे। वो फटाक से घर खरीद नहीं रहे हैं, वो सब लोग भाड़े के घर में रह रहे हैं और उस पैसे को निवेश कर रहे हैं किसी अच्छी जगह पे। आप सेम चीज कर सकते हो, या फिर आप एक अच्छा घर परचेस कर सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, माने आप उस घर में रहोगे 3 साल 4 साल या फिर 5 साल रहोगे और फिर उसे बेच के अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। ये होगा निवेश पर्पस के लिए। आप निवेश भी कर सकते हो और प्रॉपर्टी को भाड़े पे भी ले सकते हो। आपके पास ये 2 ऑप्शन है मेरे हिसाब से। अगर हम बात करें गाड़ी की तो यहाँ भी आपके पास 2 ऑप्शन है। आप फटाक से एक नया महंगा कार परचेस मत करो, खुद से ये सवाल करो कि मुझे गाड़ी सच में चाहिए? अगर मैं गाड़ी परचेस नहीं करता तो क्या मेरा जीवन चलेगा? नहीं, मुझे दिक्कत आएगा अगर मैं गाड़ी परचेस नहीं करता तो? इस क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढना होगा। अगर गाड़ी चाहिए तो आप सेकंड हैंड गाड़ी को परचेस कर लो, थोड़ा पैसा आपका बच जाएगा और आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर पाओगे एक अच्छे जगह पे, और वो पैसा आपका बढ़ेगा भी हर साल, आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि दोस्त गाड़ी का वैल्यू हर साल घटता रहेगा ना कि बढ़ता रहेगा। इसलिए आपको उसे इन्वेस्ट करना होगा इधर प्रॉपर्टी में, स्टॉक्स में, बॉन्ड में या फिर गोल्ड में। आप जहां भी चाहो उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इस तरह के इंसान हो कि देखो देखो मेरे पास गाड़ी है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा घर है, तुम्हारे पास क्या है? अगर आप दिखाने के लिए दूसरों को गाड़ी या फिर घर परचेस करना चाहते हो, फिर कर रहे हो, तो आप डूबोगे जरूर। फाइनेंशियल फ्रीडम उसे छोड़ ही दो, आप उसे कभी भी अचीव कर नहीं पाओगे अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो।
तो दोस्तों आपको खुद ये निर्णय करना होगा आपके सिचुएशन को समझ के कि घर अब परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, गाड़ी अभी परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते हो तो भाई आप घर को भाड़े पे लो और उस पैसे को निवेश करो किसी अच्छे जगह पे जिससे वो ग्रो कर पाए हर साल, ऐसा मुझे लगता है। आप मुझे बताना ये आपको पर्सनली क्या लगता है। आशा है ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प करेगा सही निर्णय करने में कि घर या फिर गाड़ी परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।